शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शान सिद्दीकी में। मैं हूँ इस वक्त मशीनों पे और थोड़ा सा काम ही कर रहा था, तो काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं ईमेल पर भी कमेंट पर भी कि भाई काम पर लगवा दो, ज़रूरत है हमें काम की। और मैंने कुछ भाइयों को लगवाया भी है, जहाँ तक मुझसे हुआ है। मैंने डिज़ाइन के काम में भी कई भाइयों को डिज़ाइन के काम दिए हैं, कई भाइयों को मशीनों पे भी खड़ा करा है। लेकिन ज़्यादातर मामले में क्या हो रहा है कि ये काम इंडिया में थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है सर्दियों में आके जनवरी के महीने में थोड़ा डाउन हो ही जाता है। लेकिन बाकी के महीनों में, बाकी के 10-11 महीने ये बढ़िया चलता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तैयारी है बाहर जाने की, ठीक है। और जी इसकी वैकेंसी आने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटर मशीन का काम करते हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी मशीन के कारीगर हैं या इंजीनियर हैं जिनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। नए कारीगरों के लिए नहीं, पुराने कारीगर जो हैं उनके लिए वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। वैकेंसी कहाँ से आएगी? वैकेंसी आएगी, मेरे पास जीमेल भी आते रहते हैं कंपनियों के, जहाँ जिनके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कतर की, कुवैत की कंपनी है, और मैं वैसे भी चेक करता रहता हूँ ज़्यादातर। तो वैकेंसी जो आने वाली है वो आने वाली है कतर से, कुवैत से और एक दो जगहों से और आने वाली है। जैसे ही आएगी, फरवरी में इसकी डेट है कि वैकेंसी निकलेगी कंप्यूटर ऑपरेटरों की। फरवरी में क्यों निकलेगी? क्योंकि वहाँ से जो है कारीगर वापस आएंगे अपने अपने घरों में। जो बाहर से काम करने आए हैं ना, उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और वे वापस आएंगे अपने अपने घर पे रहने के लिए, जैसे भी वीज़ा ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ से नए बंदे जाएंगे काम करने के लिए। अब वो कहीं से भी हो सकते हैं, इंडिया के अलावा वो किसी भी देश से हो सकते हैं, जो काम करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी जो है वो 100% जो है बिल्कुल वैलिड है, उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका काफ़ी टाइम से काम करते हुए हैं, और उन लोगों के लिए है जिन्हें यहाँ पे मतलब काम नहीं मिल रहा इंडिया में आके, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला काम तो ऐसे ही हो गया, मतलब वो जाके बाहर भी काम कर सकते हैं इस काम को लेके। तो वैकेंसी के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट अपना बनवाना पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट बनता है 1000-2000 रुपये इसकी फ़ीस होती है पासपोर्ट की, ठीक है। ये 10 से 15 दिनों में बन के आ जाता है। और पासपोर्ट में हो सके तो 10वीं की मार्कशीट लगाने की कोशिश करना, क्योंकि उससे फिर वो स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाता है वो पासपोर्ट। अगर आप 10वीं की मार्कशीट नहीं लगाते हो तो वो अनपढ़ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है अगर आपको बाहर यही काम करने के लिए जाना है, ख़ास करके कतर के अंदर। तो पहले तो आपको पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद आपको, मैं ही आपको बताऊंगा कि कहाँ से वैकेंसी आ रही है और कैसे कैसे आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना है, उसके बाद आपको PCC बनवाना होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसका सेम प्रोसेस होता है पासपोर्ट की तरह। आजकल जो हुआ है वो ये हुआ है, कुछ कंट्रियाँ, गोल्फ कंट्रियों ने PCC कंपलसरी कर दिया है। सऊदी अरबिया को छोड़ के काफ़ी जो कंट्री हैं, कुवैत, कतर, दुबई, बहरीन, इन जैसी कंट्रियों ने जो है PCC कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। इस PCC का मतलब ये होता है कि इस बंदे ने कोई भी अपराध नहीं किया हुआ है, इसके खिलाफ कोई भी मुकदमा स्टेशन पे दर्ज नहीं है, पुलिस स्टेशन पे दर्ज नहीं है, ठीक है, वही बंदा बाहर जा सकता है। तो PCC सभी का बनना पॉसिबल है, जो भी बाहर जाने चाहते हैं आने वाले वक्त में, ठीक है। तो पासपोर्ट बनवाना है, PCC बनवाना है। PCC की वैलिडेट होती है करीब 6 महीने, ये 500 रुपये में बन जाता है। पासपोर्ट की वैलिडेट होती है करीब 10 साल, ये 2500 से 3000 रुपये में तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको अपना CV भी तैयार करना है।
सीवी भी तैयार किया जाता है बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से रिज्यूम होता है ना, उसके उसी की तरह मान लीजिए आप, उसमें अपनी सारी प्रोफाइल बिल्कुल ऐड की जाती है, क्या क्या आपने पढ़ रखा है, कितनी कितनी आपने पढ़ाई की जाती है कर रखी है, और क्या क्या आपको किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। कंपनी जो देखती है वो सबसे पहले एक्सपीरियंस देखती है कि इस बंदे के पास किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है और ये हमारे लायक है या नहीं है। तो अगर उसे लगेगा कि आपको सीवी में ऐड करना है ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस कि मेरे पास 10 साल कंप्यूटर मशीन चलाने का एक्सपीरियंस है, तो फिर कंपनी जब वो चीज़ देखेगी तब वो सबसे पहले आपका सीवी भी देखेगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। जिस भी जॉब में, जिस भी फॉरेन कंट्री में अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि वो जॉब जो है फर्जी है, ठीक है, और जिसमें इंटरव्यू हो रहा है वो वैलिड है, वो 90% वैलिड है। तो जिस जिसको भी बाहर जाना है, फरवरी में भाई वैकेंसी आने वाली है, और आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं आपको बता दूंगा, वैसे ही आप अपना सीवी भेज देना, मेरे थ्रू भेजो या डायरेक्ट भेजो, वो जब की जब आएगी जब की जब पता चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस जिसको भी बाहर जाना है वो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए। और इसमें कितनी सैलरी मिल सकती है वो भी मैं आपको बता क्लियर कर देता हूँ, कम से कम 50 से 55 हज़ार से ऊपर ही ऊपर इसमें सैलरी मिलेगी, मंथली जो सैलरी मिलेगी कतर के अंदर या कुवैत के अंदर, ठीक है। और जो आपका खर्चा होगा वो बेसिकली पासपोर्ट का, पीसीसी का, वीज़ा का और टिकट का, वीज़ा तो ज़्यादातर हो सकता है कि कंपनी अपनी ही तरफ से दे, बाद में उसका चार्ज जो है आपकी सैलरी से लिया जाए, स्टार्टिंग में जो कंपनी अपने पास से देती है एक साल का दे या 2 साल का दे, वो जब की जब पता चलेगा जब वैकेंसी आएगी, फरवरी में इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो और इसके अलावा आपका वैसा खर्चा होगा जो मतलब आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पे, 2 पैसे खर्च करने के लिए वहाँ पे ले जाना चाहते हैं, जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं यहाँ से इंडिया के अंदर से ले जाने वहाँ पे ले जाने के लिए, तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का। और जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर आपको इंडिया के अंदर ही किसी बंदे को काम पे लगना है तो भाई इंडिया में भी मैं आपको मशीन पे लगवा सकता हूँ, मेरी ईमेल आईडी पे मुझे आप मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है shanshaikh.com75@gmail.com। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ सिंपल तरीके से, shanshaikh.com75@gmail.com, ये मेरी जीमेल आईडी है, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो मैं देखता हूँ वो मैं 9 बजे के बाद देखता हूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद मुझे टाइम मिलता है, फुर्सत मिलती है, वरना बीच में बिजी रहता हूँ, ठीक है। और 100% मैं कोशिश करता हूँ कि ईमेल का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ बंदों को, बहुत भाइयों ने मुझे ईमेल कर रखे हैं, बहुत भाइयों के मैंने जवाब देता हूँ 100%, और उन्हें मशीनों पे भी लगवाता हूँ और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी का काम हो जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं है। तो आप मुझे अगर किसी को लगना हो, जैसे कि मैं आपको बताया मैं मेरठ से हूँ, मेरठ सिटी से, तो अगर कोई आसपास का ही बंदा है और मेरठ के अंदर लगना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है ईमेल के थ्रू, और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, अपना नंबर दे सकता है, नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर में डायरेक्टली इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, हर कोई कॉल करता रहता है काम के टाइम पे वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जी बस यही बात है जो मुझे आपको बतानी थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा भाई भी चले जाए बाहर, 2 पैसे वो भी कमा ले, किसी और का भी फ़ायदा हो मेरे साथ साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए बाहर जाने के लिए, जिसको बाहर जाना है, और जिसको इंडिया में ही मेरिट के अंदर काम करना है वो वैसे ही मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मशीन पर लगवाने की, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।